Hi guys, I'm Priyanka and welcome to my new vlog. So, आज का vlog है वो है unplanned trip to Gwalior. So, come on, let's go. So guys, अभी सुबह सुबह बज चुके हैं, सुबह के 8:15 और मेरी फ्लाइट है 12:30 की, आई थिंक एज फार एज आई रिमेम्बर. तो अभी मैं सबसे पहले जो सुबह उठती हूँ ना, सबसे पहले मैं पीती हूँ एक कप गर्मा गर्म पानी, क्योंकि सुबह स्टार्टिंग ना हमेशा पानी से ही करनी चाहिए. तो ये गया पानी, इसको मैं सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करूँगी और उसके बाद गाइस ये पानी पीने के बाद मैं पीऊँगी एकदम गर्मा गर्म अदरक वाली चाय. ओके गाइस, चाय गई है. चलो, मुझे ना अपनी चाय मस्त चीनी वाली पसंद है, तो मैं यहाँ पे कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं करती हूँ. और अब जाएगी इसके अंदर चाय की पत्ती. देखिए गाइस, चाय में आ गया है बढ़िया सा उबाल. तो अब इसके अंदर हम घिसेंगे मस्त ढेर सारी अदरक. आज सुबह सुबह ना मुंबई के अंदर बहुत बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और बारिश के मौसम में चाय पीने का अपना ही आनंद आता है. ओए होए होए, क्या गजब की मस्त मस्त चाय बनी है. पता है, अगर चाय के साथ थोड़े पकौड़े शकौड़े हो जाते ना तो और मजा आ जाता. बट नहीं, अभी सुबह सुबह कोई पकौड़े शकौड़े नहीं है, मुझे फटाफट तैयार होकर जाना है सीधे सीधे एयरपोर्ट. सो गाइस, आई एम ऑल सेट, रेडी वेडी हो गई, और अब मैं अपनी उबर का वेट कर रही हूँ, जस्ट आने वाली है आई थिंक. तो बारिश हो रही है तो मैं अंदर जाती हूँ बिल्डिंग के, क्योंकि मुझे अभी भीगने का बिल्कुल मन नहीं. इतनी सुंदर मुंदर से तैयार हुई हूँ, भीगने का मन किसका होगा. सो गाइस, उबर आ चुकी है और अब मैं जा रही हूँ सीधे एयरपोर्ट. कम. सो गाइज, उबर में सेट हो चुकी है, और मुंबई की बारिश का तो जो हाल है मैं आपको क्या बताऊं. सुबह सुबह बढ़िया आयरन करके बाल निकली थी, अब देखना बारिश में ना कैसे ऐसे कर्ली 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 हो जाएंगे. एंड आज मैं एकदम टाइम पे निकली हूँ गाइज. तो देखती हूँ एयरपोर्ट जाके अगर लाउंज में कुछ खाने को मिला, मुझे कुछ अच्छा खाने को मिला तो ही खाऊंगी. तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या खाती हूँ, क्योंकि सुबह से तो आप जानते हो सिर्फ चाय पे ही हूँ मैं अभी तक. तो चलिए आप जल्दी से पहुँचते हैं एयरपोर्ट. सो गाइस, एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ, चेक इन वेक इन सब हो चुका है, और अब मैं सीधे आ गई हूँ ट्रैवल क्लब लाउंज में कुछ खाने के लिए. तो वेट, लेट मी शो यू कि यहाँ पे एक्चुअली आज क्या क्या है. कम. सो गाइस, सबसे पहले दिख गई मुझे वापस ये कोला मशीन, आई होप आज ये चल रही होगी. यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स हैं, मसाला चाय, ओहो मसाला चाय है, बट मुझे लगता है मैं कॉफ़ी पीऊँगी. यहाँ पे सैंडविचेज हैं, एग्स हैं, सॉसेजेस हैं, आई थिंक स्क्रैम्बल्ड एग विद बेक बीन्स. अरे वाह, आज तो मिसल पाव है. ये आ गया रोस्टेड पोटेटोज, एंड साथ ही साथ यहाँ पे उपमा भी है, एंड दिस इज आई थिंक सांबर. ये है इनकी कॉफ़ी मशीन, जहाँ से मैं पक्का कॉफ़ी पीने वाली हूँ. एंड गाइस, एज यूजुअल यहाँ पे बहुत सारी चटनीज हैं, सैलड्स हैं, और यहाँ पे हैं चॉकलेट चॉकलेट मफिन विद बटरी बटरी क्रोसॉन्स. सो गाइस, अभी लाउंज में लगा हुआ है ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारियाँ शैयारियाँ चल रही है, तो मुझे लगता है कि मैं दोनों चीज़ें ना खाऊं. तो चलो, ब्रेकफास्ट प्लेट मैंने सजा ली है, देखे देखे कितना बढ़िया सजा के लाई हुआ है. तो ये है क्रोसॉन, ये है स्क्रैम्बल्ड एग, पोटेटोज, उपमा, एंड दिस इज मफिन. मफिन भी भूल गई गाइस. तो चलो, सबसे पहले तो गाइस मैं बटर लगाऊंगी अपने बढ़िया बढ़िया क्रोसॉन के अंदर. वो बटरी बटरी क्रोसॉन में जब और बटर लगता है ना, आय हाय हाय हाय, मजा आ जाता है सच्ची मुच्ची. इतना मस्त है ना, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है, गर्मा गर्म है, बटर देखो लगते ही में चार चार लग जाते हैं. तो अभी इनका मैं ये भी ट्राई करूँगी, उपमा. उपमा में डालते हैं पहले थोड़ा सा नींबू विम्बू या नमकीने वमकीने सब डाल डूल के लाई हूँ गाइस मैं. वैसे ये नमकीने ना मिसल के लिए रखी थी, और मैंने उपमा में डालनी एक्चुअली. नाइस उपमा. उपमा में ना हमेशा नींबू डाल के खाया करो, एक्स्ट्रा स्वाद आ जाता है. और ये मेरी कोल्ड ड्रिंक भी है, जो मैंने आधी ऑलरेडी गटक ली है गाइस. तो चलो, अभी मैं आराम से ब्रेकफास्ट इंजॉय करती हूँ, और अगर मेरे रहते रहते यहाँ पे लंच भी लग गया ना, तो मैं ना वो भी आपको थोड़ा सा दिखाई दूँ. गाइस, लंच का तो पता नहीं, बट अभी तक मेरा पेट भरा नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मिसल ट्राई किया जाए. मतलब महाराष्ट्र में हो या मिसल पाव मिल रहा है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई मिसल. तो चलो, पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मिसल बनता कैसे है. सो गाइस, ये देखिए, ये है एकदम रेड रेड फायरी रेड मिसल वाली ग्रेवी, और रसा बोलो इसके अंदर. देखो कैसे छोटी छोटी मूंग भी रहती है. तो सबसे पहले तो मैं डालती हूँ इसको अपनी ये बोल के अंदर. इसका पाव ढूंढते ढूंढते मेरी नज़र चली गई इस केक के अंदर. तो चलो यार, एक 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 या लेने या ले खाती हूँ. इसके अंदर बहुत सारी चेरीज लगी है. सो व्हेन इन महाराष्ट्र वी हैव टू ट्राई महाराष्ट्रियन फूड. तो देखो ये कितना बढ़िया सज धज के आ गया मेरा मिसल पाव विद सम केक, और अब जाएगा इसके अंदर बढ़िया बढ़िया तरीके से नींबू. एक्चुअली में ना मिसल बहुत स्पाइसी होता है, तो नींबू डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो स्पाइस है ना वो बैलेंस आउट हो जाए. ओह, ये देखो बटरी पाव, क्या शेफ ने सेका, एकदम गर्मा गर्म मेरे लिए.
मिली इतने सालों के बाद मिसल पाव खा रही हूँ। एंड ये मिसल ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है। सो मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया एंड टुडे आई एम फ्लाइंग विद इंडिगो। एंड वैसे यहाँ पे ना सारे इंडिगो ही प्लेन दिख रहे हैं। T1 से अब इंडिगो जाने लगी है। एंड कुछ महीने पहले गाइस गो एयर भी यही T1 टर्मिनल से ही जाया करती थी, तो मैंने भी ना उसमें अपनी टिकट बुक करी थी, बट गो एयर ने मेरे पैसे ही रिफंड नहीं करे, सारे के सारे पैसे मेरे खा गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर वाडिया ऐसे गो एयर के जिन पैसेंजर्स ने बेचारों ने टिकट पहले से खरीद के रखी है उनके पैसे ही खा जाएंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने गो एयर की टिकट ली हो और आपके पैसे रिफंड नहीं आए हैं तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना, और जिनके रिफंड आ गए हैं प्लीज़ वो भी मुझे बताना कि मैं अपना रिफंड कैसे लूँ इन लोगों से, बिकॉज मुझे अपने पैसे वेस्ट होते हुए ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इट्स अ हार्ड अर्न मनी भाई, इतनी मेहनत करके हम पैसे कमाते हैं। सो गाइस फाइनली मैं आराम से आके अपनी सीट पे बैठ गई हूँ, और इंडिगो में ना थोड़ा पहले ही बैठा देते क्योंकि ये एकदम परफेक्ट टाइम पे जो है टेक ऑफ करती है और लैंड करती है, जिसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए आराम से सेट वेट हो गई, और अब आई थिंक यहाँ से मुंबई टू ग्वालियर आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे तो लगेंगे, तो मैं तो आँखें बंद करके मस्त सोने वाली हूँ, क्योंकि आज करनी मुझे दो शूटिंग, एक तो व्लॉग चल रहा है और एक मेन चैनल की भी शूटिंग करनी है जो मैं रात को करूँगी। ग्वालियर पहुंच चुकी हूँ, और ग्वालियर जो है मध्य प्रदेश में लोकेटेड, और MP में दूसरी बार आई हूँ। पहली बार मैं MP आई थी तो मैंने विजिट करा था इंदौर सिटी, एंड इंदौर के जायके उफ क्या जायके थे, क्या स्वाद था, मतलब अभी भी मेरी मतलब सेलिब्रेट हो जाता है माउंट की, इतनी बढ़िया इंदौर का खाना था। अब मुझे देखना यह है कि ग्वालियर का खाना इंदौर के खाने को मात दे पाता है या नहीं, तो आने वाली बहुत सारी फूड सीरीज आएगी पूरी ग्वालियर की, देखना मत भूलेगा। और ग्वालियर क्योंकि हिस्टोरिक सिटी है तो यहाँ पे बहुत सारे फोर्ट्स एंड पैलेसेस भी हैं, तो आने वाले व्लॉग में मैं उनको भी कवर करूँगी। तो दोनों चैनल में आप बराबर पूरी ग्वालियर की सीरीज देखेगा और मुझे कॉमेंट करके बताएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलिए एयरपोर्ट से हम बाहर आ गए, अब सबसे पहले टैक्सी करते हैं, सीधे पहुँचते अपने होटल। कम सो गाइज एयरपोर्ट से मैंने कर ली है प्राइवेट टैक्सी, और ये सीधे लेके जाएंगे हमको होटल। एंड देखिए ये है इनका कार्ड, और भैया का नाम है लखन। तो चलिए भाई अब चल के जो है बैठते हैं सीधे अंदर। सो गाइज मैं अपने होटल पहुंच चुकी हूँ, और इस बार मैं रुकी हुई हूँ पार्किन बाय रेडिसन में। एंड ये पता है ये एक मॉल के अंदर ही होटल बना हुआ है, सो एक्साइटेड टू बी हियर। एंड चलिए चल के जल्दी से चेकआउट करते हैं कि रूम हमारा कैसा है। एंड पता है आपको, जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकली ना एकदम कच्ची रोड थी, मैंने कहा अरे यार क्या ग्वालियर में मतलब मैं कहाँ आ गई। फिर ड्राइवर भैया ने बताया कि एयरपोर्ट ना बहुत ज़्यादा दूर बना है सिटी से, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर। और जैसे जैसे मैं सिटी के अंदर आती गई वैसे वैसे ना इतनी ग्रीनरी है ग्वालियर के अंदर दैट आई वाज सरप्राइज, इतना ग्रीन है ग्वालियर। मैं ग्वालियर पहली बार आई हूँ, सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड, और बहुत ज़्यादा फन करने वाली हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले चल के देखते हैं कि हमारा रूम कैसा है, फिर लेंगे यहाँ के जायकों का स्वाद। वेलकम टू माई रूम गाइस। तो जैसे ही आप रूम में एंटर होते हैं ना आपके लेफ्ट साइड में आ जाता है बहुत ही स्वीट एंड कोजी सा बाथरूम जो एकदम नीट एंड क्लीन है, और राइट साइड में आपको दिखेगी कॉफी टेबल, और यहाँ पे है बड़ा सारा बेड गाइस, जिस पे मन तो हो रहा है कि मैं आराम से सो जाऊँ, बट ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि अभी शूटिंग जो करनी है। बहुत ही कोजी और बहुत ही कम्फर्टिंग सा बेड है ये। एंड साथ ही साथ गाइस यहाँ पे देखिए काउच रखा हुआ है जहाँ पे आराम से बैठ के मैं चिल कर सकती हूँ, TV देख सकती हूँ। एंड एक कमी है बस, यहाँ पे ऑफिस टेबल नहीं है जिसकी इस बार मुझे होती क्योंकि एडिटिंग के लिए गाइस ना मेरे को एडिट करना पड़ेगा, एक वीडियो बचा है मेरा, तो मुझे लगता है इसको ही मैं अपनी वर्क डेस्क बना लूंगी ताकि मैं आराम से अपना काम कर लूं। और सामने है गाइस बहुत बड़ी सी विंडो जहां से दिखती है बहुत सारी ग्रीनरी, मतलब सुबह उठते ही जब ये ग्रीनरी देखूंगी ना और अपनी कॉफी या चाय पीऊंगी ना तो आहा क्या मजा आएगा। अभी तो ये दे दिया मैंने आपको रूम टूर, अब चलते हैं कुछ खाते पीते हैं, सिर्फ ब्रेकफास्ट करा हुआ है, लंच तो गाइस मुझे लगता है गोल हो गया, बट मैं लंच करने हम बाहर चलते हैं और देखते हैं कि आज यहाँ पे क्या खाएंगे, तो आ जाओ। सो गाइस लंच करने के लिए हम बाहर आ गए। वैसे तो गाइस मैं मॉल में जाके भी कुछ ना कुछ खा सकती थी, बट नहीं, मॉल में मैं नहीं जाऊँगी, मैं जाऊँगी यहाँ के ग्वालियर के वन ऑफ द बेस्ट कैफे, दैट इज बिस्ट्रो कैफे। गूगल में मैंने चेक करा था गाइस, मैं
मैं पहुंच गई ग्वालियर के बिस्ट्रो कैफे। बट गाइस ये गूगल में तो लिखा था वन ऑफ द बेस्ट कैफे, बट इतना छोटू मोटू सा है कि मुझे लगता है गूगल बाबा ने ना मुझे बुद्ध बनाया, तो गाइस इसमें तो मैं नहीं जाऊंगी। और इसके ठीक बाजू में बर्गर बड़ी, जहाँ पे आप अपने बड़ी के साथ बर्गर खा सकते हैं, बट अभी मेरा बर्गर खाने का कोई मन नहीं। तो चलो आगे थोड़ा सा टहलते और देखते कुछ और खाने में यहाँ पे क्या क्या कैफे है। सो कम गाइस, दो कदम चलेंगे ना तो आपको मिल जाएगा पिज्जा बाय द वे। पिज्जा बाय द वे गाइस मुंबई के अंदर है, पिज्जा बाय द बे, वो बे के बाजू में बैठ के आपको पिज्जा खिलाते हैं। और यहाँ पे पिज्जा खाने के लिए चढ़ने पड़ेंगे आपको 2 मंजिल पैदल पैदल पैदल, मतलब पिज्जा खाने से पहले ही ना आप अपनी कैलोरी बर्न कर लो, तब पिज्जा खाने के लिए आप तैयार हो जाओ। सो गाइस दिस इज पिज्जा बाय द वे कैफे, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कैफे है। इस कैफे की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये कैफे ना प्रॉपरली लिट है, क्योंकि ये पूरे जितने विंडो पैनल्स हैं बहुत बड़े हैं, यहाँ से लाइट आ रही है, वहाँ पे गिटार भी टंगा, आप आराम से गिटार बजा सकते हैं। और अब 5:30 बजे मैं करने वाली हूँ मेरा लंच, जस्ट हैव अ लुक। सो यहाँ पर मैंने ऑर्डर करा है गाइस डीलक्स वेजी पिज़्ज़ा, जो मुझे पड़ा है 440 रुपीज़ का, बहुत ही बढ़िया। इसके अंदर बहुत सारी टॉपिंग्स गई हैं, ऑलिव्स गई हैं, ब्लैक येलो रेड बेल पेपर्स गए हैं, एंड पेपरिका गई है, मशरूम गए हैं, थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा। उसके साथ मैंने यहाँ पे ड्रिंक मंगाई है, ये है नटी न्यूट्रेला ड्रिंक, जो मुझे पड़ी है 140 रुपीज़ की। तो सबसे पहले गए, सबसे पहले पिज़्ज़ा में डालेंगे पिज्ज़ा के मसाले। तो ये गए ऑरिगेनो, ये गए चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स थोड़े से ही डालती हूँ गाइस, नहीं तो बहुत तीखा हो जाएगा। पेपरिका ऑलरेडी इसके अंदर पड़ी है, वो आई नहीं तो टॉपिंग से गिर गई गाइस थोड़ी सी, मैं दूसरा स्लाइस उठा लेती हूँ, इसकी तो टॉपिंग से बाहर आ गई। ओके ओ ऑल राइट, बहुत ही बढ़िया पिज़्ज़ा, इनका पिज़्ज़ा सॉस बहुत अच्छा है। एंड ये जो पेपरिका ना थोड़ा सा टैंगीनेस ऐड कर रहे हैं, थोड़ी सी स्पाइसीनेस ऐड कर रहे हैं ना इस पिज़्ज़ा के अंदर, वो मुझे सच में बड़ी अच्छी लगी है। एंड उन्होंने बताया मुझे इसके अंदर गाइस कोई भी मेयोनीज़ वाली ऐसे चीज़ सॉस वगैरह इन्होंने नहीं डाली है, इन्होंने प्रॉपर इसके अंदर चीज़ का इस्तेमाल करा है, विच इज़ रियली रियली गुड। तो चलो अभी ये नटी न्यूटेला भी तो ट्राई करें कैसा है। नटी नटी है और काफ़ी चॉकलेटी है, बहुत ही अमेजिंग बन के आया है। मतलब इस गर्मी के मौसम में कोई ठंडा पीने को मिल जाता है ना, तो दिल में आह हंसी निकल जाती है, बहुत अच्छा लगता है। और इस पिज़्ज़ा के साथ गाइस एक चीज़ फ्री है, वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी, पहले मैं आराम से शांति से बैठ के अपना पिज़्ज़ा खत्म करूँ। इट्स डिज़र्ट टाइम गाइस, पता है यहाँ के कैफे में एक स्कीम है, अगर आपका पिज़्ज़ा 400 रुपीज़ के ऊपर है ना तो आपको डिज़र्ट मिलेगी एकदम फ्री। सो मेरी डिज़र्ट आ चुकी है एंड आई एम सो एक्साइटेड, सो जस्ट हैव अ लुक। यहाँ पे मेरे पास एकदम गर्मा गर्म सिजलिंग ब्राउनी है, दैट टू एकदम कॉम्प्लीमेंट्री फ्री। एंड इसके ऊपर डालिए बिग डॉलप ऑफ वनीला आइसक्रीम, जिसके ऊपर इन्होंने बहुत सारे आमंड्स भी डाले हैं। मुझे पता है मेरी डिज़र्ट मिला, जब नट्स चॉकलेट आइसक्रीम तीनों मिल जाते हैं ना तो मतलब अभी इसमें और देर नहीं करते, मैं फटाफट से ज़रा इसको केक कटिंग टाइप करती हूँ। ओके ओ माय गॉड, ओ ये तो एकदम ही गर्मा गर्म है, पाइपिंग गॉड, ब्राउनी सो फ्रेश, आई लव दिस यार, बहुत अमेजिंग है। इतनी फ्रेश, इतनी सॉफ्ट, इतनी स्पॉन्जी इनकी ब्राउनी है, उसके ऊपर ड्रिजल करा है ढेर सारा चॉकलेट सॉस। और इस गरम गरम ब्राउनी को ना जब ठंडी ठंडी आइसक्रीम के साथ खा रहे हो ना, ओह माय गॉड दिस इज रियली वेरी गुड, बहुत एक्साइटिंग। टाटा। सो गाइस कपड़े वपड़े मैंने चेंज कर लिए, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ ग्वालियर की चौपाटी देखने। मुंबई में तो मैंने बहुत चौपाटियाँ देखी है, ग्वालियर की चौपाटी देखते हैं यार कैसी है। तो मैं जा रही हूँ वहाँ पे अपने मेन चैनल की शूटिंग करने, जहाँ पे आने वाला है 500 रुपीज़ स्ट्रीट फूड चैलेंज, तो देखना मत भूलना। तो चलिए जल्दी जल्दी से चलते हैं, क्योंकि रात होने वाली है और बहुत रात तक आज शूटिंग करनी है गाइस, बहुत सारा खाना खाना है, तो आ जाओ। सो गाइस मेन चैनल की शूटिंग करने के लिए मैं आ गई हूँ ग्वालियर की चौपाटी, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले गाइस मैं क्या खाने वाली हूँ ग्वालियर के अंदर, मैं खाने वाली हूँ दिल्ली वाला खाना। देखो यहाँ पे बन रहा है मेरा दिल्ली वाला मशहूर मूंगलेट, एंड ये इतना फ्लफी बन रहा है कि इसमें आने वाला है बहुत मज़ा। तो चलो देखते हैं कितनी देर में रेडी होगा, बहुत देर हो गई भैया मुझे खड़े खड़े, थोड़ा गैस तेज कर दो ना, तो जल्दी से अल्टी पल्टी गल्टी कर दो, कच्चे रह जाएगा। अच्छा तो आराम से पकाओ, कच्चा खाना हमें नहीं खाना गाइस। मैं आप तक इतना खा
क्योंकि इतना खा चुकी पूरा पेट मेरा भर गया। और अब देखो अगला क्या खाने वाली, देखो क्या गजब का फुल्ली लोडेड ये पिज्जा आ चुका है। और ये पिज्जा कितने का पड़ा इसके लिए तो आपको मेरा फूड चैलेंज देखना पड़ेगा मेरे मेन चैनल में। आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म क्योंकि अब बहुत खाना हो चुका है। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मिलूंगी नेक्स्ट फ्राइडे, टिल देन स्टे हैप्पी एंड ग्लोइंग, बाय।